हेलो एवरीवन, अब हम आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं। पहले तो हम ये बताएंगे कि हेडर फाइल क्या होती है, फिर हम इसमें ये भी बताएंगे कि अगर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल बनानी होती है, यानी कि यूजर को खुद अपनी हेडर फाइल बनानी चाहिए, बनानी तो होती है, अब उसका क्या फायदा होता है ये भी डिस्कस करेंगे, तो वो कैसे बनती है। ठीक है, तो इसके फायदे और सब कुछ, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें आप एक चीज देखना कि जो हमने डिस्कस करेंगे, हम सी के हिसाब से भी डिस्कस कर रहे हैं एक तरह से, और सी प्लस प्लस के हिसाब से। चाहे कोड में हम प्रिंट एफ में सी आउट वगैरह लिख लेते हैं, पर लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर कोड है। और ये हम अपनी बुक्स जो है लर्न प्रोग्रामिंग सी का, मतलब उसके भी हम आपको उसको पढ़ सकते हैं और उसमें से डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडर फाइल की बात करते हैं, और इसका लिंक जो है ना आपका, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या हमारे अबाउट वाले पेज में भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट। तो अब हम बात करते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल, पहली बात, आपने अभी लाइब्रेरी फंक्शन देखे तो आपने पिछले सीरियल लेक्चर में, तो उसमें देखा कि आपने जब भी एक इनबिल्ट फंक्शन को यूज किया है तो आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड की। जैसे अगर आपने स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज किया तो आपने एक मैथ, यानी कि अगर वो सी की थी फाइल तो हमने सी मैथ लिख दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है हेडर फाइल, ठीक है, और इसका नाम ही एक तरह से हेडर फाइल या लाइब्रेरी भी इसको बोल सकते हैं। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम ज्यादातर अपने प्रोग्राम के हेड सेक्शन में डालते हैं, या हम कह सकते हैं कि जनरली इंक्लूडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और ये हैश इंक्लूड के साथ यूज की जाती है, जैसे आपने देखा था हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाया जाता था, ठीक है। तो ये एक तरह से ये प्री प्रोसेस, जब हैश लग गया तो इसका मतलब जो प्री प्रोसेसर होता है वो इसको पहले कंपाइलेशन वाले प्रोसेस से इसको हम इसमें वो उस कोड को इंसर्ट कर देगा जो हेडर फाइल के अंदर होंगे, ठीक है। और वो इंसर्ट करने के बाद उसके कंटेंट्स जो बनेंगे फिर उसको कंपाइल करेगा। तो ये जो कोड जब उसमें फिट कर देता है तो हम उसको एक ट्रांसलेशन यूनिट का नाम देते हैं, और फिर वो कंपाइलर जो होता है उस ट्रांसलेशन यूनिट को कंपाइल करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास हेडर फाइल होती क्या है, या उसको हम लाइब्रेरी जो बोलते हैं, तो लाइब्रेरी और हेडर फाइल एक ही चीज हम बोलेंगे, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी इसको बोल देते हैं। तो इसकी एक बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल। और इसके अंदर क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने सी में भी देखा हुआ है, इसके अंदर फंक्शन की डेक्लेरेशन होती है, ये आपने वहां पे अगर डिस्कस पढ़ा है, ठीक है, नहीं तो हमारे आगे आने वाली सीरीज में फंक्शन डेक्लेरेशन, डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है, मैक्रो की डेफिनेशन, और जब से सी प्लस प्लस की हम बात करें तो उसमें क्लास या टेम्पलेट की डेफिनेशन भी हो सकती है। अब ये सारी जो डेफिनेशन जो हमने अपने अलग अलग सोर्स कोड में शेयर करनी होती है, जैसे आपने देखा कि हमने स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन मैंने अपने प्रोग्राम में डाला, हो सकता है कि मैंने अगले प्रोग्राम में भी डाला, तो जहां जहां मुझे डालना है मुझे वो हेडर फाइल इंक्लूड करनी। अब इसका फायदा क्या होता है कि हम ये जो जैसे स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट फंक्शन है, अगर मैं खुद की बनाता हूँ एड मल्टीप्लाई या कुछ और फंक्शन इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो उनको हम अलग से एक फाइल में रख लेते हैं और उनको उनका सिर्फ एक नाम हेडर फाइल का इंक्लूड करके उनको हम यूज कर सकते हैं। तो इसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है हेडर फाइल को, क्योंकि वो फंक्शन अलग से पड़े होते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज करना भी आसान होता है और एक्सेसिबिलिटी भी फास्ट होती है, क्योंकि सिर्फ हेडर फाइल को इंक्लूड करके ही वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम इसको अपने प्रोग्राम्स में रेडिली यूज करते हैं, ठीक है। और इसको इंक्लूड करने के लिए हेडर फाइल को, तो हमें अपने सोर्स कोड में, तो हमें हमेशा उसके लिए साथ हैश इंक्लूड लगना पड़ता है, और ये इसको एक प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, इसका मतलब प्रीप्रोसेसिंग के टाइम पे ये पिक्चर में आती है। अब आपको याद हो कि हेडर फाइल्स के साथ हमने पिछले कोड में भी डॉट एच नहीं डाला था, पर अगर आप सी में काम करते हैं तो उस केस में आप डाल रहे होते हैं डॉट एच, ठीक है। पर ज्यादातर जो मॉडर्न सी प्लस प्लस कंपाइलर्स हैं उसमें हमें डॉट एच की कोई एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए आप देखते हो कि अभी तक हमने जितनी भी कोडिंग की है उसमें हम आईओ स्ट्रीम में हो या सी मैथ भी डाला तो उसमें हमारे पास डॉट एच की जरूरत नहीं थी। अब आगे चलते हैं, हमारे पास किस तरह की हेडर फाइल्स होती हैं। तो एक तो जो आप यूज कर रहे हैं अभी तक वो है स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स, और दूसरी है यूजर डिफाइंड। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जैसे सी मैथ हो गई, ठीक है, सी सी टाइप हो गई, सी जब सी लग रहा है ना एक एक्स्ट्रा, तो आप सी सी बोला ना तो एक सी जो है ना वो सी के हेडर फाइल है और उसको अवेलेबल कराया गया। तो इसी तरह हमने और भी जो सी प्लस प्लस की आई हो, मैंने आईओ स्ट्रीम, ठीक है, एक आती क्रोनो टाइम्स को मैनेज करने के लिए, इसी तरह एक्सेप्शन भी आती है, तो बहुत सारी हेडर फाइल्स होती है इनबिल्ड, और वो कंपाइलर के साथ आपकी इनबिल्ड होती है, तो इसका मतलब उसके साथ आती है। अब इनमें होता क्या, आपको मालूम है, जैसे फंक्शन डेफिनेशन बताया, मैक्रो हो सकती है, क्लास या टेम्पलेट डेफिनेशन, तो उनको हम अपने यूज कर सकते हैं, तो ये बनी बनाई होती है, इसलिए इसका नाम स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, ठीक है, और ये कंपाइलर के साथ आती है। अब इसमें एप्रोप्रिएट हेडर फाइल को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो इसका फायदा क्या होता है कि इनमें जो सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो हम अपने सोर्स कोड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टू यूज सम हेडर फाइल्स ऑफ सी, हां इसमें ये पॉइंट बताया हुआ है कि जैसे सी की हेडर फाइल्स को, तो हम उसके साथ सी को प्रीफिक्स करते हैं, जैसे सी मैथ में मैथ फाइल सी है की है हेडर फाइल, और उसको साथ हम सी जब लगा देते हैं तो उसको स्क्वायर रूट अगर फंक्शन को यूज करना है तो ये इंक्लूड करनी पड़ेगी हैश इंक्लूड, और जैसा हमने डिस्कस किया हैश इंक्लूड स्टार्टिंग में आ गया। अब जो मेन काम है इस पर्टिकुलर सीरीज के इस लेक्चर का, वो है कि अपनी हेडर फाइल कैसे बनानी है, और अपनी हेडर फाइल को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड, क्योंकि यूजर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली इसको बनाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप इसको अच्छी तरह सीख लेंगे तो आपकी जो आगे आने वाले प्रोग्राम्स है उसमें आप खुद क्रिएटिव होकर उसको अलग अलग सेक्शन, और आपका कोड जो होगा ना वो सामने वाले को ऐसे लगेगा कि बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये भी कुछ कंपनीज काम करती हैं जिसमें वो हेडर फाइल्स खुद बना के उनको मंथली रेंटल के बेस के ऊपर बना के बेच रही है, और उसके कंपनीज को भी फायदा हो रहा है अपनी कोडिंग में, क्योंकि वो फास्ट हो रही है। तो ये क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रिटन बाय द प्रोग्रामर होता है, क्योंकि यूजर डिफाइंड नाम दिया था प्रोग्रामर, और जब हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ना प्रोग्राम, तो तब तो ये
बहुत ही काम आती है, ठीक है, हेडर फाइल्स बनाना, क्योंकि ये हाइड कर देती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शंस एंड मेक देम अवेलेबल जस्ट बाय देयर नेम। तो हम सिर्फ उन फंक्शंस को यूज करते हैं बाय देयर नेम, यानी कि हमें नहीं अंदर का अंदर खाते क्या हो रहा है, बस हमें इंक्लूड करनी है हेडर फाइल, हमारा काम हो रहा है। तो इस तरह से काफी हद तक एब्स्ट्रैक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ सब कुछ हिडन है और मैं सिर्फ उसको नाम से ही यूज कर पा रहा हूँ। तो एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करा जा सकता है यहाँ पे उस एंगल से, अगर आप सोचे, क्योंकि आप एक हेडर फाइल इंक्लूड की, उसका नाम फंक्शन का इंक्लूड किया और उसको यूज कर लिया। इसी तरह क्लास को यूज कर लेंगे, क्लास वाला भी डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब भी हमें इंक्लूड करना है अपनी खुद की हेडर फाइल को, ज्यादातर हम यहाँ पे याद रखना, जो ऊपर हम यूज करते हैं वो एंगल ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही डाल देते हैं। तो इसका बेसिक फर्क क्या होता है कि ये जो डबल हेडर हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये सर्च करता है फाइल, जो भी आपकी हेडर फाइल है, जैसे यहाँ पे अपने हेडर फाइल का नाम रखा हुआ हेडर इन द करंट डायरेक्टरी, इन द डायरेक्टरी कंटेनिंग द करंट फाइल, मतलब उसी डायरेक्टरी में सर्च करेगा जिसमें आपकी करंट फाइल्स ये पड़ी हुई है। तो ये एक एडवांटेज होता है क्योंकि हम ज्यादातर अपनी फाइल में बना रहे होते थे, बट अगर हम इस हेडर फाइल को स्टैंडर्ड फोल्डर में डाल दें जहाँ पे सिस्टम डायरेक्टरीज पड़ी होती है, तो फिर हमें यहाँ पे अगेन इसके साथ, जैसे हम लिखते हैं ना आईओ स्ट्रीम एंगल्ड ब्रैकेट्स में, तो यहाँ पे भी नीचे वाले केस में भी, तो अगर हम अपनी बनाते हैं या यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे भी हम ऐसे एंगल ब्रैकेट्स ले लेंगे अगर हम इस पर्टिकुलर फाइल को जो कि स्टैंडर्ड मतलब सिस्टम डायरेक्टरी वाले फोल्डर में वहां पे डाल देंगे अगर, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, स्टेप आता है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट की क्रिएट कैसे करनी है। तो इसके हम बेसिकली इसको तीन स्टेप्स में बाइफर्केट करते हैं। सबसे पहले हम डॉट एच, क्योंकि हेडर फाइल का नाम एक्सटेंशन होती है ना, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपनी फाइल का नाम डॉट एच एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक फाइल बनाएंगे और उसकी एक्सटेंशन रख देंगे डॉट एच, जैसे कि अगर हम कोई भी नाम रखें माई हेडर, तो उसमें डॉट एच, यानी कि हेडर फाइल का नाम जो हम यूज करने जा रहे हैं वो ये वाला हो, ठीक है। अब हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कई बार हम हेडर जब हम चलाते हैं ना, तो सोर्स कोड के अंदर हेडर फाइल दो से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार इंक्लूड हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक कंडीशनल मैक्रो का सहारा लेते हैं, जिसमें हम फंक्शन डिक्लेरेशन जितनी भी आ रही होती है उसको इफ एंड एफ और हैश डिफाइन की मदद के साथ उसको यूज करते हैं। मतलब इसके अंदर अगर हम कंटेंट्स डाल देंगे ना, तो हमारा काम क्या होगा, बार बार हेडर फाइल इंक्लूड नहीं होगी, अगर एक बार हो गई है तो दूसरी बारी को वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है कि इट हेल्प्स टू अवॉइड इंक्लूडिंग ट्वाइस, हेडर फाइल को ट्वाइस इंक्लूड करना, मोर देन वंस इंक्लूड करने से बचाता है, और अगर वो करता है तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जिस करके क्योंकि हेडर फाइल पहले से पड़ी हुई है तो ये वो चल रही। फिर दूसरा काम क्या होता है कि आपने उसी हेडर फाइल के नाम से, जैसे माय हेडर लिखा है, डॉट सीपीपी प्रोग्राम बनाना है, और इस प्रोग्राम में अगेन प्रोग्रामर क्या करेगा, फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर क्या डाली है, डिक्लेरेशंस, ये आप देख सकते हैं डिक्लेरेशंस डाल रही है, और यहां पे हमें क्या डालनी है, डेफिनेशंस, ठीक है। पर याद रखना है इसका सेम नाम होना चाहिए, जैसे ऊपर का अगर आपने माय हेडर नाम रखा है तो इसमें भी स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा सबसे कॉमन काम, अगर हेडर फाइल बनके तैयार हो गई, यहां पे बनके तैयार हो गई, अब इसको अपने कोड में यूज करना है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी खुद की बनी हुई है और अगर आपने उसको उसी फाइल डायरेक्टरी में जिसमें आपकी करंट फाइल है उसी में रखा हुआ है, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, पर अगेन अगर आप सिस्टम डायरेक्टरी में डालते हैं तो आपको यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स डालना। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये इस नाम की हेडर फाइल जो आपने इंक्लूड किया, इसके फंक्शन सारे अवेलेबल हो जाएंगे और इसको हम जो हमने करंट फाइल जहाँ पे जिस डायरेक्टरी में उसी में डाला हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसको रन कैसे करना है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम वो वाला बटन कोड रनर वाला नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल विंडो खोलेंगे वीएस कोड में और इंश्योर करेंगे हमारा ये सेम ही फोल्डर है, तो उसके लिए हमें उस फोल्डर पे स्विच करना पड़ेगा। एक बार हम फोल्डर में जाएंगे तो हम ये वाली कमांड लिखेंगे, जैसे कि इसमें मैंने मेरी हेडर जो फाइल थी उसका नाम ये है, तो अब ये क्या करेगा, एक एक्सी फाइल बना देगा इसकी, और कौन कौन सी फाइल्स को यूज करके, माई हेडर और माई प्रोग्राम, माई प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने हेडर फाइल यूज की है, ठीक है। और एंड में जब हम ये सब ये कमांड चल जाएगी तो डॉट माई हेडर के साथ ये कोड चला देंगे। तो अभी हम इसकी प्रोग्राम देखते हैं, अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे पहले सिंपल हम फंक्शंस की डिक्लेरेशंस के साथ, फिर हम देखेंगे नेमस्पेस के साथ, फिर हम देखेंगे क्लास के साथ। अब हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को बनाने का प्रोग्राम देखते हैं, तो हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रख लेते हैं माय हेडर, और इसकी एक्सटेंशन डॉट एच देनी है, आपको याद रखना कि इसके बिना ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये माय हेडर में जैसे मैंने आपको बोला है कि हम सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशंस डाल देते हैं, उस फंक्शन डिक्लेरेशन में हम जो भी करना चाहते हैं, मान लो हमने दो फंक्शन अभी फॉर द टाइमिंग डाल रहे हैं, कोड छोटा हो जाए, ठीक है। और फंक्शन डिक्लेरेशन आपको मालूम है कि ओके, आप अगर नहीं भी जानते तो आप बस अभी फॉर द टाइमिंग के हम पहले फंक्शन का नाम, जिसमें ऐड नाम का फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये हमने इसका कमेंट बनाना था सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पे हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ये इसकी रिटर्न वैल्यू और ये इसके जो कि इसको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे पैरामीटर की टाइप के बारे में भी बताया हुआ है। तो अगेन मैं इंट ये पहले लिख रहा हूँ, वैसे तो आपको मल्टीप्लाई इसका पूरा नाम लिखना है कि मल लिखना है, ये भी आप देख लीजिए, तो जो नाम आप लिखेंगे वही वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिख दिया, ठीक है, अगर आप चाहें तो सब्ट्रैक्ट का भी बना सकते हैं, अगेन ये कोड बड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमारे पास हेडर फाइल बार बार इंक्लूड हो सकती है, तो हमें इसमें कंडीशनल्स लेते हैं, जैसे इफ, ठीक है, उसके बाद हमने बोला इफ एंड एफ, ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है दो अंडरस्कोर डालने हैं और वही नाम रखना है जो कि, और कैपिटल में रख दें कि जो आपका माय आपने इसे सेव करना है, जैसे आपने इसको सेव किया ना माय हेडर, तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए दो अंडरस्कोर, फिर एक अंडरस्कोर और फिर एच, ठीक है।
इसी तरह आपने हैश डिफाइन लिखना है और उसके साथ भी आपने दो अंडरस्कोर और सेम नाम रख देना, माई हैडर। स्पेलिंग गलत हो ये जरूर याद रख लेना क्योंकि ये फिर नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम इसके नीचे आ जाते हैं। अब इसको बंद करना है तो वो भी बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश एंड और इफ। ठीक है, अभी हमारी फाइल बन गई है, इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, ये हमारी सेव हो गई। अब हमने क्या करना है कि इसके साथ साथ हमने अब एक इस जिसके अंदर ये फंक्शन डिक्लेरेशन डाले हैं ना, अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी डाल दें ताकि आपको पता रहे। ओके, तो यहाँ पे अब हम एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम हमें सेम रखना है, माई हेडर, नाम सेम और पर इसकी एक्सटेंशन हमें रखनी है डॉट सीपीपी। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रख लेना है कि इसकी एक्सटेंशन हमने डॉट सीपीपी रखनी है और इसमें हमने ये हेडर फाइल सबसे पहले इंक्लूड करनी है और साथ में फंक्शन डेफिनेशन देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड। ठीक है, और क्योंकि मैंने आपको बताया करंट डायरेक्टरी में है तो यहाँ पे आ जाएगा माय, आ गया हेडर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉट एच डालनी पड़ेगी क्योंकि ये यहाँ पे कोड में हमने खुद की फाइल बनाई है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इंट एड, इंट डेफिनेशन देनी है तो पूरा कोड लिखना पड़ेगा, इंट ए इंट बी। ठीक है, मैं पहले इंट डाल देता हूँ, वैसे तो बाद में डालना चाहिए क्योंकि रिटर्न टाइप जब आपको पहले से पता है फिर तो ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी सेमी कॉलन। ओके, ये हमारा कोड हो गया उस फंक्शन का जो हमने ऐड के लिए कॉरस्पॉन्डिंग बनाया है। अब इसी तरह मैं मल्टीप्लाई का भी नाम भी याद रखना जो डिक्लेरेशन में लिखे हैं सेम लिखने हैं, नहीं तो फिर आपको मुश्किल आएगी क्योंकि आपका कोड कंपाइल करेक्टली नहीं होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई इंट ए बी और ए इंटू बी हो जाए यहाँ पे। तो ये हमने देखे हैं, एक मिनट, इंट इंटू यहाँ पे लिखे और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो आप जैसे अगर ये तो सिंपल कोड था, रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, अगर आपकी सी आउट वगैरह भी कोई आ रही है तो बेटर क्या होता है कि आप यूजिंग नेम स्पेस वाला कोड वाला भी ऐड कर लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपका कोड बन गया माई हेडर डॉट सी पी पी। ठीक है, अब हम तीसरी फाइल डालते हैं और उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ इन दोनों फाइल से, माई प्रोग्राम डॉट सी पी पी। ठीक है, और इस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग हम फिर कोड डालते हैं। हम ये देखिए, अब यहाँ पे याद रखना है कि आपको जैसे भी काम करना है, जैसे पहले आईओ स्ट्रीम हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपने हेडर फाइल बनाई है अपने कोड उसका यूज करना है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब उस हेडर फाइल का नाम क्या है और याद रखना है वो करंट डायरेक्टरी में है तो इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो माई हेडर। ठीक है, ये भी हेडर फाइल हो गई और आप सी आउट वगैरह के लिए हम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम होती है सी एन सी आउट के लिए, पर नेम स्पेस का हमें कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, डिटेल में बाद में करें। अब इसमें ये आपका कोड हो गया, जैसे कि एक मिनट, ठीक है, तो ये कोड में अब हम इसको यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे वो कोड लिख देते हैं, जैसे कि मैं अभी फॉर द टाइम लिखता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखना, ऐड आ गया ना, ऐड, ये ऐड इसलिए आया क्योंकि मैंने वो हेडर फाइल इंक्लूड किया है, तो अगर आपका कोई भी नाम का फंक्शन होगा तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इंट वाई, अब आप ये देखना कि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डिफाइन करना, दूसरा फंक्शन का नाम क्या था, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो अब इसको भी मैंने अवेलेबल करा दिया, मान लो सॉरी पहले ऐड ही कर लेते हैं, दो ऐड करते हैं ताकि उन दोनों का रिजल्ट आए वो 3 और 8। ठीक है, अभी हो गया 11 इंटू 11, थोड़ा छोटा कर लें, 11 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, आपको याद भी रहे आंसर क्या आएगा। और तीसरा लेते हैं z, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई multiply, ये आ गया फंक्शन, और इसमें हम x और y जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं लोकल इस कोड के लिए, और इसमें हम सीधा प्रिंट करते हैं z। ठीक है, और सी आउट में तो एंड एलन भी डाल दें अगर आप एक्स वाई, ये अभी तो इसका कोई फर्क नहीं, इसको सेव करें। ठीक है, ये सेव हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि इसको रन करना है, तो रन करने के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आप इसको जब रन करें तो आप इसको टर्मिनल विंडो को खोलें, यहाँ पे जाएं न्यू टर्मिनल। ठीक है, ये आपके पास न्यू टर्मिनल आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप ये जो कोड देख रहे हैं मैंने तो डायरेक्टरी सेट की हुई है, अगर नहीं होता तो सी डी कमांड चला के, जैसे अगर आपको थोड़ी बहुत डॉस है पहले तो सी डी बैक स्लैश कर देते हैं तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एक स्टेप पीछे चले जाता हूँ, अगर ये करूंगा तो सारे पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये होता कैसे है, इसमें याद रखना अंशु सी प्लस प्लस वीडियो। ठीक है, अब ये एक स्टेप पीछे गया। ठीक है, चलो अब यहाँ से मेरे को चैप्टर 3 मैंने जो बनाया हुआ है उसमें जाना पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर 3 नहीं तो ये कोड नहीं चलेगा। ठीक है, पहले ये मैंने आपको बता दिया कि सी डी कमांड के साथ आप आगे पीछे मूव कैसे कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है वो क्या है कि इसको रन करना है, तो रन करने के लिए हमारे पास जी प्लस प्लस है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले जी प्लस प्लस। अब जो आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है उसका नाम आ जाए, जैसे आपने कोई भी नाम दे सकते हैं, माई एग्जी डॉट टी एक्स। ठीक है, और जो आपने सी प्लस प्लस की माई हेडर फाइल बनाई है
ये वैसे मैंने सेम नाम रख लिया था, पर ये वाला नाम तो वही है जो आपने पहले यूज किया। अब आपके प्रोग्राम का नाम माई प्रोग्राम, उसको भी कंपाइल करना है, ठीक है? तो उसका नाम क्या है, माई प्रोग्राम डॉट सीपीपी, ठीक है? तो आपने माइनस ओ, ओके माइनस ओ हमारा मिस हो गया, एक बार पीछे जाना पड़ेगा, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें माइनस ओ नहीं मिस करना, जो कि एक्चुअली कंपाइल करने में मदद करता है। दोबारा से एक बार लिख लेते हैं, माई हेडर डॉट exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल बने, माई हेडर डॉट, ये सभी को एक बारी में कंपाइल कर देगा सीपीपी, और माई प्रोग्राम जो जहाँ पे हमने ये हेडर फाइल यूज़ की है उसका नाम लिख दिया, ठीक है? अब इसको कंपाइल करते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर कोई गलती होती तो ये लाइन अगली नहीं आती। अब जो आपकी फाइल बनी है उसको आपको मालूम है कि अगर आपने इस प्रॉम्प्ट पे चलानी हो टर्मिनल के, तो आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल जो बनती है उसके डॉट स्लैश डाल के उसका ऊपर नाम लिखा है ना, माई हेडर, तो ये देखो माई हेडर इतना ही लिखना है। अब ये होगा क्या, अगर आपको मालूम हो तो आप देखिए, 5 + 6 कितना होता है 11, 3 + 2 कितना होता है 5, 11 × 5 55, और ये आ गया। तो इसका मतलब आप इस कोड में देखें कि अगर आप ध्यान से, अब मुझे 1 मिनट, हाँ, तो इस कोड में देखें कि आपने सिर्फ एड यूज किया है, और ये जो आपकी खुद की हेडर फाइल है ये आपने यूज किया अपने कोड में। सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने फंक्शन डेक्लेरेशन बनाए, फिर आपने माई हेडर यूज किया जिसके अंदर उस फंक्शन डेफिनेशन दी, पर इसमें आपको ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी कि आपने वो किस हेडर फाइल के अंदर इसके यूज कर, उसके साथ आपने कोड यूज किया और उसके वहां पे कॉल कर लिया। तो अब इस कोड में हमारा फायदा क्या हो रहा है कि हमें नहीं लेना देना उसका क्या मतलब कोड है, हमने ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड, बट याद रखना कि ये लाइन जो हमने कंपाइल कर रहे हैं इसमें अगर कोई एरर होगी पहले उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी हम आगे चल सकते हैं। तो हम कहते हैं ना, इट इज बाय डिफॉल्ट प्री कंपाइल्ड प्री रिटन कोड, हेडर फाइल टेक्स्ट फाइल होती है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोड है। तो यहाँ पे एड देने का फायदा। अब आगे हम अगला प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास नेम स्पेस में है तो वो कैसे करेंगे। अब हम ये कोड को एक नेम स्पेस के हिसाब से देख लेते हैं कि नेम स्पेस अगर हमारे पास हो तो कैसे करना होता है। तो उस केस में हम इसी कोड को अल्टर करते हैं जो हमारे पास है, ठीक है? इसमें हम लिखते हैं, अपनी नेम स्पेस बनाते हैं और उसके अंदर एक क्लास बनाते हैं नेम स्पेस, ठीक है? और इस नेम स्पेस में एक उसका नाम दे देते हैं, और हम कोडिंग ये क्लोजिंग ब्रैकेट में एंड में लगाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओके ये बैक स्पेस, ओके। इसके बाद हमें इसके अंदर अपनी एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम मैं रख देता हूँ माय, कहाँ गया माय, हाँ क्लास। अब इसी तरह इसका भी एक बैक स्पेस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हाँ चलो। अब इसके अंदर मैं पब्लिक मेंबर फंक्शंस बना देता हूँ ताकि वो अवेलेबल रहे हमेशा, ठीक है? और इन फंक्शंस को जो मैंने यूज़ किया हुआ है इन्हीं को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आ रही। तो यहाँ पे मेरी क्लास खत्म हो गई, मैंने इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है इस क्लास में। तो क्लास को खत्म करने के लिए एंड में सेमी कॉलन डालो, ठीक है? और ऊपर जो हमने नेम स्पेस बनाई है, तो ये अब वही कोड हमें चलाऊंगा, बट यहाँ पे मैं विद इन द क्लास उसके पब्लिक मेंबर फंक्शंस कैसे यूज करते हैं उसको बताऊंगा यूजिंग हेडर। तो ये मेरी हेडर फाइल बन गई, जैसे हमने इसमें भी डॉट एच हेडर फाइल बनाई है, जैसे वही वे जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो इसमें भी याद रखना है इसका जो नाम है ऊपर ये सेम होना चाहिए जो आपकी हेडर फाइल है, नहीं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? अगर ये नहीं है मैटर आप लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसमें हमने एक क्लास बनाई है और ये पब्लिक मेंबर है तो इसलिए एक्सेसिबल है, और इसको हमने नेम स्पेस में डाल दिया। अब यहाँ पे हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड डालेंगे। अब यहाँ पे इसके फंक्शन वो क्लास के हैं, तो हमें यहाँ पे ये जो हमने माई हेडर डॉट सीपीपी फाइल बनाई हुई है जिसमें हमें डेफिनेशन देनी होती है, तो हमें यहाँ पे एक और लाइन लिखनी पड़ेगी कि हम यूज कौन सा कर रहे हैं नेम स्पेस। तो उसके लिए हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस और आगे लिखेंगे एन, एन आ गया, ठीक है? एन कैपिटल लिखना था, एन, हाँ अब आ गया। अब इसके साथ इसको हम क्योंकि क्लास के हैं तो क्लास की कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोड लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद के साथ माई स्पेलिंग, ठीक देखना स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, माई क्लास कॉलन कॉलन, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे भी हम डाल देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा कोड हो गया, ठीक है? इस क्लास के हमने दो फंक्शन जो बनाए थे उनको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं, अब तीसरे कोड पे चलते हैं। ओके ये देखिए अभी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, कोई बात इसको ठीक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हेडर फाइल हमने सेम रखी हुई है और यहाँ पे हमें यूजिंग नेम स्पेस भी देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा यूजिंग नेम स्पेस, और याद रखना क्योंकि ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास के हमने मेंबर फंक्शन है तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, माई क्लास देखो अवेलेबल हो गई है, ठीक है? और उस ऑब्जेक्ट का लिख देते हैं एम ओ बी जे, ठीक है? ये हमने उस क्लास का, अब यहाँ पे हमने उसको ऐड करना या जो भी करना है वही काम करते हैं दोबारा एम ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, और ये दोनों मेंबर फंक्शन पब्लिक हैं तो इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा इसको सेव करने का काम रह गया और वो भी हम कर लिया, ठीक है? तो याद रखना इसमें, ओके ये स्पेलिंग मिस्टेक ना रखना, इसमें ओबीजे कैपिटल होना चाहिए। तो अब ये कंपाइल करेंगे, अब वही कमांड जो हमने ऊपर लिखी है वो सेम लिखनी है, ठीक है? अब टर्मिनल विंडो पे जाएं और वहां पे वो कमांड लिखें, जैसे कि आपने इसमें सब कुछ सेम किया है तो मैं वही कमांड दोबारा लिख सकता हूँ, नहीं तो अगर नाम चेंज हो जाते हैं हेडर फाइल में।
जैसे आप कोई और नाम डॉट एच वाला लिखते हैं, फिर माई सी प्लस प्लस वाली फाइल का भी हेडर फाइल का ये नाम लिखते हैं, ये माई प्रोग्राम आप जो मर्जी यूज करो। अब इस प्रोग्राम में हम ये हेडर फाइल यूज कर रहे हैं और क्योंकि करंट फाइल वाली जो डायरेक्टरी है वो सेम है तो इसलिए हमने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको चला के देखते हैं एक बार, ये पहले कंपाइल करना पड़ेगा ताकि वो चेक कर सके इसमें एरर तो नहीं है। ओके, एरर कोई नहीं आई, बस अब कुछ नहीं करना, अब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है तो माई डॉट माई स्लैश माई हेडर लिखना है, अगेन यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। तो ये हमने बताया कि ये क्लास के साथ कैसे यूज होता है, ठीक है। तो एक ये छोटा सा एग्जांपल है, बट इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, डॉट एच फाइल में हमने फंक्शन डिक्लेरेशन डाली, इसको हमने इंक्लोज कर दिया क्लास के अंदर, ठीक है, और ये पब्लिक कर दी क्योंकि अवेलेबल हो जाए, ठीक है, बाहर जाके। और इसी तरह हमने ये इनके मेंबर फंक्शन है, तो यहाँ पे बस पिछले वाले से फर्क क्या था, यहाँ पे माई क्लास आ गई है, और उसमें हम आगे देखें तो इनको हमने यूज किया एक ऑब्जेक्ट बना के, और उस ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया, और साथ में हमें उस नेम स्पेस को भी इंक्लूड करते जाना। तो इस तरह से हमारा ये कोड ओके है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम एक क्लास की डेफिनेशन को अपने इस पर्टिकुलर हेडर फाइल में कैसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब कुछ सेम कोर्स है, यहाँ पे रिलेटेड ना, मैंने इसको एडिट नहीं कर पाया, ये मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर लिया कोड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स और डॉट एच, तो यहाँ पे याद रखना इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेम होंगे इफ डेफ में, आपको पता ही है इफ एंड डेफ क्यों लिखते हैं, ताकि हमारी बार बार ये हेडर फाइल इंक्लूड ना हो जाए डबल डबल, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए चेक लगाया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह हैश डिफाइन का भी नाम, इसको स्टार्ट करना है दो अंडरस्कोर के साथ और फिर एक अंडरस्कोर के साथ, यहाँ पे स्पेस। अब इसके अंदर जैसे क्लास बनाते हैं ना, क्लास की डिक्लेरेशन देते हैं, ठीक है, तो ये क्लास की डिक्लेरेशन है, ठीक है। जैसे हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन दी है, फंक्शन को क्लास को डिफाइन आगे करेंगे, ठीक है। मैंने दो डेटा मेंबर्स ले लिए और दोनों प्राइवेट है, रियल और इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऐड और मल्टीप्लाई को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई भी क्लास डाल सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अगर आपकी क्लास कॉम्प्लेक्स होगी तो उसमें और भी एडवांटेज होगा कि जब आप उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू 0-0 कर रहा है, उसके बाद ये मेंबर ओके, ये भी कंस्ट्रक्टर है नॉर्मल, और ये भी है। अब आपको अगर क्लास नहीं आती या क्लास के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो आगे वाली सीरीज में आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा, या आप कोई बुक से भी रीड कर सकते हैं, जैसे हमारी वाली बुक है। तो उसके बाद हम चलते हैं, उसमें हमने ऐड फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड फंक्शन की बात करें तो ऐड फंक्शन क्या करेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो हमने यहाँ पे फंक्शन, उसके मेंबर फंक्शन की डिक्लेरेशन ही दी हुई है, मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, टू पैरामीटर कह लो, पैरामीटर सीटोर, और यहाँ कंस्ट्रक्टर के लिए छोटा हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ लिख देते हैं जीरो पैरामीटर, पूरा स्पेस डाल देना, मैंने नहीं गलती से डाला सीटोर, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए भी सेम है मेंबर फंक्शन, और एक हमने गेट रियल जो कि रिटर्न करेगा इसकी वैल्यूज को जो भी हमने सेट की है, ठीक है। तो ये हमने एक क्लास बनाई और इसको सेम पैटर्न में आप देखें इफ एंड एफ में हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन है, अगेन आपको मालूम है सेम क्लास का नाम बनाओ और डॉट सीपीपी एक्सटेंशन दो, अब इसमें उनकी डेफिनेशन दे दो, क्वेश्चन हमने दिया है, तो इसकी डेफिनेशन जो डिफाइन करना है, क्योंकि आपने इस टाइम पे डेटा मेंबर्स को है वो तो रन टाइम के ऊपर ही मिलती है, आपको मालूम है जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर अभी हमने यहाँ पे मेथड्स जो हैं इनके अपने जो मेंबर फंक्शन है उनको डिफाइन करना है। तो ऐड का कोड कर दिया, इसमें वो क्या करेगा, दो इनपुट लेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनको ऐड करेगा और उनको रिटर्न कर देगा, तो उसके लिए रिटर्न के लिए स्टार दिस रखना पड़ेगा क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट आपने रिटर्न करना है। तो इसके साथ साथ रियल करंट ऑब्जेक्ट का हो गया, इमेजिनरी भी, ये आपने डेटा मेंबर सेम नाम रखा, ये सीसी वन का और इसका सीसी टू, उनके मेंबर्स को ऐड किया। इस तरह मल्टीप्लाई के केस में हमें याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमें ऐसे करना पड़ता है, रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू मैनेज, ये रियल पार्ट आ जाता है, रियल प्लस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमने उस मेंबर फंक्शंस के कोड डाले हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको यूज करना है बहुत सिंपल है। अभी देखो, अगर आप रियल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोड बना रहे होंगे ना, तो आपको पहले पूरी क्लास लिखनी पड़ेगी, उनके मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ उस हेडर फाइल को इंक्लूड किया, इसको बोला भैया कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ये बनाओ, ये उसको इनिशियलाइज कर देगा उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, ये उसके जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इनिशियलाइज करेगा, फिर हमने ऐड किया और ऐड करने पे ये पर्टिकुलर उन दोनों जो वैल्यूज ऊपर हमने इनिशियलाइज करके कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए उनकी वैल्यूज को ऐड करके C3 में डाल देगा। अब हमने C3 का एंड में हमने यहाँ पे उसका रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गेट रियल से पहले भी मैं अगर कोई ब्रैकेट डाल दूँ तो अच्छा रहेगा, और ब्रैकेट को मुझे दूसरी वाली डालनी चाहिए, ऐसे एक बंद करने वाली नहीं डालनी, ठीक है। यहाँ पे भी इसको भी मैं, ये आप देखिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी कोडिंग में और आपको बड़े बड़े कोड छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने वहाँ पे थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट आउटपुट अच्छी आ रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है, ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी आप नहीं डालना चाहते स्टार्टिंग ब्रैकेट, तो ये मैंने क्योंकि इसमें दो नंबर आएंगे उस सेट को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब इसको सेव कर लेते हैं और ये जब हम इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम में, आप ये देख सकते हैं वैसे ही क्लासेस के साथ कोड छोटा लगता है या मेन सेक्शन, तो यहाँ पे सिर्फ मेन सेक्शन ही लिखा आ रहा है, बाकी सब कुछ इस कॉम्प्लेक्स क्लास में है जो हमने पहले पहले ये हेडर फाइल बनाई उसकी, यहाँ पे देख सकते हैं हेडर फाइल बनाई और फिर इसकी मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल विंडो खोलेंगे न्यू। तो जैसे उस पैटर्न पे हमने कमांड लिखी थी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने, हाँ ये आ गया। और याद रखना कि आप उसी फाइल के, मतलब जैसे भी चैप्टर के अगर आपने फोल्डर बनाया या जिसमें ये फाइल सेव हो रही है उसी डायरेक्टरी में जाके ये सब कुछ, आपको याद है जी प्लस प्लस लिखा सबसे पहले, ठीक है, और माइनस ओ यानी आपने कंपाइल करना है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इसके आगे जो भी एक्सिक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं, जैसे कि मान लो कॉम्प्लेक्स HEA header, ठीक है, और .exe, ये आपका वैसे ही नाम रख दिया आपने। अब आपने कौन कौन सी फाइल्स को करना है, एक तो हो गया जो आपने बनाई हुई है, सबसे पहले आपने बनाई है .cpp में, अगर हम बात करें C बड़ा डाल के कॉम्प्लेक्स .cpp, ठीक है। और एक आपने और बनाई है जिसका नाम है आपके प्रोग्राम का नाम PROG, स्पेलिंग नहीं गलत होने चाहिए, याद रखना .cpp, ठीक है। अब इसको देख चेक करते हैं कि अगर ठीक हुआ तो सब कुछ चल पड़ेगा। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब वो आपको मालूम है ना कंपाइल्ड होते, प्री कंपाइल्ड, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कंपाइल कर लिया। अब इसको चलाना है, जो हेडर फाइल सॉरी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपने बनाई है, जैसे इस केस में आपका नाम रखा हुआ है हमने कॉम्प्लेक्स हेडर, और ये एंटर मारा, तो ये देखे कोड चल गया। बहुत ही अच्छी चीज है ये, आपको सिर दर्दी है उसे खत्म कर रहा है। क्या हेडर फाइल बनानी है, एक बार मेहनत करनी है और उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। ये सोर्स कोड में नहीं, अगले में भी इंक्लूड करो, मैं जितने कोड बनाऊं उनमें ये हेडर फाइल अगर मैं मल्टीपल बना देता, मतलब अपने कंपाइलर के साथ गिफ्ट करता हूँ किसी को, तो उसको क्या फायदा होगा कि वो ये सारे काम की, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है, तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है, ठीक है। तो आई अज्यूम आप इसको जरूर ट्राई करेंगे और ये आपके ऊपर प्रोग्रामिंग के ऊपर एक मल्टीपल फोल्ड इंपैक्ट देगा, 10x टाइम्स 100x टाइम्स आपकी क्वालिटी और आपका क्रिएटिविटी सब इंप्रूव होगी। तो ये सीरीज पूरी करने के बाद आप बुक भी पढ़ सकते हैं हमारी, जो कि हमने लिंक में डाली हुई है, और ये आपको बहुत फायदा देने वाली है। और आप देखना, आपको इतनी डिटेल में, अगर आपने पिछले सीरीज नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी तरह जरूर देखें, हमने हर चीज में उसकी पूरी डिटेल डाली है, और एक बच्चा जब ये कर लेगा तो उसको बहुत फायदा। बाकी अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि आगे भी बहुत सारी सीरीज आने वाली है।